वेलकम फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत प्रयास किया, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, बहुत से रूल्स याद किए, इंग्लिश मूवीज देखी, इंग्लिश सॉन्ग सुने, बहुत कोशिशों के बाद हमें पता चलता है इंग्लिश सीखना बहुत कठिन है। नहीं, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको नहीं करते। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश सीखने की, हम उनसे दूर भागते हैं। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक ग्रामर, इंग्लिश का बेसिक ग्रामर। यदि आप उसको नहीं समझेंगे, लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने इस वीडियो सीरीज़ में हम इंग्लिश के बेसिक ग्रामर की बात करते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, और जब तक आपको ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कम से कम बेसिक लेवल तक नहीं आता है, आप इंग्लिश में बहुत कोशिश करने के बाद नहीं सीख पाएंगे। चलिए मैं आपसे कुछ बात करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। जैसे ब्लैक कैट, वाइट डॉग, बिग हाउस, थिन बॉय। ये मैंने दो वर्ड बोले इंग्लिश के एक साथ मिला करके। जैसे ब्लैक कैट, आपको क्या समझ में आया? ब्लैक कैट, कैट का कलर कैसा है? ब्लैक है। वाइट डॉग, डॉग का कलर कैसा है? वाइट है। बिग हाउस, हाउस का साइज कैसा है? बिग है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ब्लैक, वाइट, बिग को हटा दूँ, तो क्या आप उस घर के बारे में या उस बिल्ली के बारे में या उस डॉग के बारे में कोई मुझे आप विशेषता बता सकते हैं? आप सही समझे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। आप कल्पना कीजिए, आपको एडजेक्टिव नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि इंग्लिश में मुझे किसी चीज़ के बारे में विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं। आप विशेषता बताने वाले वर्ड्स याद करेंगे, बहुत ढेर सारे वर्ड्स याद करेंगे, बट उनका सही तरीका, सही इस्तेमाल कहाँ करना है, ये आपको नहीं आएगा। अपने इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं। चलिए एक बार इसको इंग्लिश में समझते हैं। अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। बहुत सिंपल है, इसके कई प्रकार होते हैं, बट यहाँ पर हम इसके तीन प्रकार पढ़ेंगे। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, वीक, स्ट्रांग, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स बहुत ढेर सारे हैं, उन सभी को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसी चीज़ की क्वांटिटी बताने के लिए सम, मच, ऑल, ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। ऐसा तो कभी होता नहीं कि हम बात करना चाहते हैं क्वांटिटी की और हम यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड्स, नहीं होगा। हमें बात करना है क्वालिटी की और हम यूज़ कर रहे हैं कुछ इस तरीके के वर्ड्स, नहीं होगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम, ऑल, वन, टू, फर्स्ट। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी ऑल है, यहाँ पर भी ऑल है, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, क्वांटिटी की बात करते हैं
हम उन चीज़ों को जिनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन, उनकी हम क्वांटिटी की बात करते हैं. यू कैन नॉट काउंट द वाटर, यू कैन नॉट काउंट द लिक्विड. जब हम अनकाउंटेबल मटेरियल्स की क्वांटिटी की बात करते हैं, ये वर्ड यूज़ होंगे. हिंदी में दोनों का मतलब सेम ही होता है. सम का मतलब कुछ, सम का मतलब कुछ, आल का मतलब सभी, आल का मतलब सभी. लेकिन डिफरेंस क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश में यही डिफरेंस है. यहाँ आप इसको यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल के साथ में, और यहाँ आप इसको यूज़ करेंगे काउंटेबल के साथ में, जिसको आप नंबर में काउंट कर सकते हैं. यहाँ पर डिफरेंस आप ये देखिए, वन टू फर्स्ट, यहाँ पर काउंटेबल है, यहाँ हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ये. सपोज दैट ये एक ग्लास है, ये एक ग्लास है. दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ ग्लास. ओके, एक ग्लास है. इसकी क्या खास बात है? ये एक ग्लास है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री में काउंट कर सकते हैं. तो ये एक है. सो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक ग्लास है. ठीक है. अब इस ग्लास में कुछ पानी भरा हुआ है, ये ग्लास में कुछ पानी भरा हुआ है, ये देखिए, ये सम वाटर, सम वाटर, कुछ पानी. क्वांटिटी ऑफ द वाटर कितनी है? कुछ है. तो ये हो गया आपका क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. हम यहाँ पर मात्रा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो पानी भरा हुआ है इसकी मात्रा की बात कर रहे हैं. जब इसकी मात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा क्वांटिटी. जब हम इस ग्लास को एज ए नंबर काउंट करेंगे, कितने ग्लास हैं, तब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की. चलिए अब देखते हैं क्वालिटी. इस ग्लास में भरा हुआ पानी, इसकी क्वालिटी क्या है? What is the quality of the water in this glass? The quality of the water is good. So, ये क्या हो गया आपका? Quality. So, अब आपको basic difference समझ में आ गया होगा कि adjective of the quality क्या है. We are talking about the quality of this water, adjective of quality. जब हम बात करते हैं इस glass में भरे हुए पानी की, पानी की मात्रा कितनी है? क्वांटिटी. और जब हम बात करते हैं ग्लास कितने हैं? एक नंबर. सो दिस इज द बेसिक. अब आपको ये बेसिक नहीं पता है तो आप कोई भी वर्ड मीनिंग याद करके कहीं भी लगा सकते हैं, और बाद में खुद ही कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं ये सही है कि गलत है. जब आप खुद ही कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं ये सही है या गलत है, तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा. जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप यही कहेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती. ऐसा कुछ नहीं है. यू नो द इंग्लिश, आपको इंग्लिश आती है. थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. इसमें आप, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बताने का तरीका सही है जिससे आपको समझ में आया. थैंक यू.